शहडोल और भोपाल की घटनाओं से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। जिस तरह से शहडोल में बच्चों की मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और भोपाल के सरकारी अस्पताल में बिजली जाने के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौतें हुई है। इन दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष चंद्रप्रभा शेखर ने कहा कि सही मायनों में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की जनता पर नहीं है। मध्य प्रदेश की बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और शहडोल मामलों को लेकर हमने कमेटी गठित कर दी है, जिसकी रिपोर्ट के बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलना ये तो बहुत ही, मैं मानता हूँ कि सम्मानजनक शब्द है। कोई कह रहा है कि मध्य प्रदेश में विगत 6-7 महीने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं और इसका इफेक्ट सीधी तरह लोगों पर पड़ रहा है, नागरिकों पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। आपको सबको मालूम हुआ कि शहडोल के जिला शासकीय अस्पताल में 11 बच्चों की मौत दिनांक 11 तक हो चुकी थी, 4 तक, उसके बाद में लगातार मौतें हो रही है। इस बीच में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वहाँ जाते हैं और मीटिंग करते हैं, इसके बाद भी जो है मौतें रुकती नहीं हैं। ऑक्सीजन की हालत और जो कोरोना में हमारे नागरिक जो अस्पतालों में हैं, कई जगह से ऐसी सूचना आई है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनका इलाज बराबर नहीं हो रहा है। वो कल ही जो घटना घटी है वो घटना तो बहुत ही दुखदायक है, ये मानवीयता के खिलाफ है। और इस तरह यदि अचानक बिजली जाने से कोई कारण होता है तो जनरेटर 2-3 लगाना चाहिए। इस समय सारे मानवता के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने कोरोना का संकट है। कोरोना के मरीजों को पूरी तरह सुविधा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, इसको देने का दायित्व सरकार का है, किंतु भाजपा सरकार इस दायित्व को निभाने में पूरी तरह असफल है।